दैनिक दिनचर्या हमारा कैसा हो, उठना बैठना सोने जगने का तरीका हमारा क्या हो, ये सब हमें जरूर सीखना है। रात को हम लोगों को 9 से 10 बजे तक सो जाना है। कितने बजे तक? 9 से 10। बहुत बढ़िया। और सुबह में 4 बजे जग जाना है। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे 4 बजे जग जाना है सुबह में। रात को कितने बजे सोना है? 9 से 10 बजे तक। 10 को पार नहीं करना है, इसलिए कि 6 घंटा या 7 घंटा बच्चों को जरूर सोना चाहिए। कितने घंटा? 6 घंटा। समय मिले तो 7 घंटा भी सो लिया करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। सुबह उठ करके हम लोगों को 1 गिलास गर्म पानी पीना है। कितने गिलास? 1 गिलास। 1 गिलास पानी नहीं पीते आप लोग रोज? उठ करके, उठते ही पानी पीना है। बिस्तर से उठे और बिना कुल्ला किए हुए 1 गिलास गर्म पानी या ताजा पानी भी बैठ करके पीना है। कैसे पिएंगे? बैठ करके पिएंगे, जमीन पर बैठ। और पानी पीने के 20 मिनट के बाद लैट्रिन करेंगे, शौच करेंगे। कितने मिनट के बाद? 20 मिनट के बाद। और 20 मिनट के बाद शौच करने के बाद मुंह में पानी भरेंगे। ऐसे मुंह भरे, पानी भर लीजिए, ऐसे गाल फुलाइए पूरा। और आंखों में 21 बार पानी मारना है। कितने बार? कभी आंख पे चश्मा नहीं चढ़ेगा, कभी मोतियाबिंद नहीं होगा, कभी आंख से अंधा नहीं होंगे। उसके बाद में हम लोग जैसे अभी सिखाए हैं 4-5 अभ्यास आपको, इस प्रकार से रोज कर लीजिएगा। और फिर सुबह 7 बजे नाश्ता करके फिर अपना पढ़ाई लिखाई में दिन भर लगे रहिए। और फिर जब भोजन करते हैं कभी भी हम या नाश्ता करते हैं, तो भोजन के हम लोगों को 20 मिनट पहले 1 गिलास पानी पीना चाहिए। कितने मिनट? 20। कितने मिनट पहले? 20 मिनट। और खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना है, अटकने लगे तो 1-2 घूंट पीना है। और भोजन करने के कम 40 से 60 सेकंड के बाद पानी पीना है। कितने सेकंड के बाद? हाँ, और भोजन को चबा चबा के खाएंगे कि निगल जाएंगे? आजकल तो जितने बच्चे हैं ना, बड़े लोग भी एकदम अनाधुन ठोक रहा है, भीतर से ठोक रहा है, लग रहा है कि बेलचा से उठाया, मुंह में डाला, तलाक के नीचे गया। बच्चे का कभी मुंह में 32 बार चबाना है। कितने बार चबाएंगे? 5 बार चबाओ, मानो बेटा चबाइए, सीधे बैठ के। चबाने से लार निकल रहा है कि लार सूख रहा है? निकल रहा है, निकल रहा है। ये लार हमारे लिए पाचन का काम करता है। किसका काम करता है? तो मुंह चलाइएगा तब ना लार निकलेगा। अब रोटी डाल ला, अब भर देना, नीचे चल रहा पेट में डाल देना तो लार निकला। इसलिए खूब चबाना है मुंह में, लार जैसा हो जाए, मार जैसा हो जाए, तब घोट जाना है अन्न को। तो मुंह में पाचन हो गया, पेट में चला गया, 1 घंटा के बाद पानी पियेंगे। कम से कम 40 से 60 मिनट के बाद पानी पीना है। तो हम लोगों को कभी जिंदगी में गैस कब्ज नहीं होगा, माथा में दर्द नहीं होगा, घुटने में दर्द नहीं होगा, साइटिका गठिया नहीं होगा, हृदय रोग नहीं होगा, किडनी नहीं खराब होगा, लकवा नहीं मारेगा, और आपको कभी कैंसर भी नहीं होगा। याद रखिएगा, हार्ट अटैक भी नहीं होगा। इसलिए सबको पेट को ठीक रखना है। उसके बाद में कभी भी जब हम भोजन करें तो भोजन पर ध्यान होना चाहिए कि टीवी पर ध्यान होना चाहिए? आप लोग सीरियल देखते हुए टीवी भोजन करते हैं कभी कभी? हाँ, कुछ अभी बतिया रहा है इधर, भोजन कर रहा है इधर, नेता चू गया तो घी समझ के घोट रहा है, इसका तो घी गिर गया ना माथा में, से सोच रहा है कि जीरा है उसमें चबा रहा है। ध्यान रहेगा टीवी पर तो कुछ को खा जाएगा भैया, हो माटी जीरा है। इसलिए हम लोगों को सुनिए, हम लोग आदमी है कि जानवर है?